अगली खबर आ रही है रीवा जिले से, जहां बिंद क्षेत्र में देव तालाब में प्राचीन तपसिम मंदिर का अपना विशेष महत्व है। जनश्रुति है कि यह मंदिर मात्र एक रात में बनाकर तैयार हुआ था। कृषि मारकंडों के संतान महर्षि मारकंडे जन्म से ही परम शिव भक्त थे। उन्होंने भारत भर में कई स्थानों में भगवान शिव के स्वरूप को स्थापित किया। इन्हीं में से एक है देव तालाब का शिवालय। पूर्वी मध्य प्रदेश में एक मान्यता है कि चार धाम की यात्रा तभी सफल मानी जाती है जब गंगोत्री का जल रामेश्वरम शिवलिंग के साथ देव तालाब स्थित शिवलिंग में अर्पित किया जाए। इसी कारण तीर्थयात्री गंगोत्री गंगा जल लेकर देव तालाब आते हैं। इस क्षेत्र में कई पवित्र जल कुंडों के कारण इसका नाम देव तालाब हुआ। महर्षि मार्कंडे भारत वर्ष में सनातन और शिव शक्ति के प्रचार के लिए भ्रमण करते हैं। इसी यात्रा के मध्य उनका आगमन विंध्य के रेवा क्षेत्र में हुआ, जो वर्तमान में रीवा के नाम से जाना जाता है। देव तालाब नामक स्थान पर जब महर्षि ने विश्राम के लिए डेरा जमाया तो उनके मन में शिव के दर्शन की अभिलाषा जागृत हुई। शिव भक्त महर्षि ने अपने आराध्य से विनम की चाहे जिस रूप में हो उन्हें दर्शन दे, तब तक वे यही तप करेंगे। महर्षि मार्कंडेय के कई दिनों के तप के बाद भगवान आशुतोष ने विश्वकर्मा जी को इस स्थान पर शिव मंदिर के निर्माण का आदेश दिया। भगवान विश्वकर्मा ने एक विशाल काय पत्थर से एक ही रात में इस स्थान पर शिव मंदिर का निर्माण किया। तपस्या में लीन महर्षि को इस घटना का किंचित मात्र भी आभास नहीं हुआ। मंदिर निर्माण के उपरांत भगवान आशुतोष की प्रेरणा से महर्षि का तप समाप्त हुआ। शिवालय को देखकर महर्षि की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने कुंड में स्नान कर भगवान शिव का अभिषेक किया और आराधना की। तभी से यह मंदिर संपूर्ण विंध्य क्षेत्र में आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि एक रात में बने इस मंदिर को जब सुबह लोगों ने देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। मंदिर के साथ ही अलौकिक शिवलिंग की भी उत्पत्ति हुई थी। यह शिवलिंग रहस्यमयी है और दिन में चार बार इसका रंग परिवर्तित होता है। मंदिर के विषय में एक जनश्रुति यह भी है कि मुख्य मंदिर के नीचे एक और मंदिर है जहां चमत्कारिक मणि मौजूद है। कई दिनों तक मंदिर के नीचे से सांप निकलते रहे। श्रद्धालुओं की समस्या के कारण अंततः जमीन के नीचे स्थित मंदिर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। देव तालाब के ऐतिहासिक शिव मंदिर में श्रावण माह में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ती है। दूर दूर से आकर लाखों लोग मंदिर में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। सामान्य तौर पर भी मंदिर में भक्तों की भीड़ रहती है। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।